नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मछुआरों सरपंच सचिव ने की धोखाधड़ी। जिले की वाराशुनी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सरपंच सचिव के द्वारा ग्राम के मछुआरों से धोखाधड़ी कर पैसे लेकर तालाब किसी और को दे दिया गया है, जिसे पीड़ित मछुआरों ने संगठन का सहारा लेकर जिला प्रशासन से सरपंच सचिव के ऊपर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि गुरुवार को जिला मछुआरे संगठन के बैनर तले ग्राम कायदी के लगभग आधा सैकड़ा मछुआरे जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरपंच सचिव के साथ साथ जो इस धोखाधड़ी मामले में लिप्त है उनकी जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञात हो कि चमार बोड़ी तालाब, भाली तालाब, मुरुम टाका तालाब सहित लगभग आधा दर्जन तालाब को सरपंच सचिव ने मिली भगत से स्थानीय मछुआरों को आवंटन न कर पैसे लेकर किसी अन्य मछुआरों को आवंटन कर दिया है, जिससे स्थानीय मछुआरों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान मछुआरों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में जांच कर दोषी पाए जाने पर सरपंच सचिव एवं उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सर, समस्या ये है, 2020 में ग्राम कायदी के राणा तालाब एवं अम्बा तालाब की अवधि समाप्त हुई, जिसके पश्चात 2020 में पैट्रिक की कार्रवाई के लिए पुनः विभाग स्तरीय पर उसकी कार्रवाई चालू किया गया, लेकिन विभाग स्तरीय तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके पश्चात 50,000 रुपये मांगने पर ही आज उन लोगों ने बोला था कि भाई अब हम कार्रवाई करेंगे। उस तरीके से आज तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया गया। किसने मांगा था 50,000 रुपये? मत्स्य उद्योग ये मछुआ मत्स्य उद्योग संचालक मैडम शशि प्रभा गुरबे जी और रीना कोकोटे मैडम है, जिन्होंने आज तक कोई पट्टे की कार्रवाई नहीं की गई। तो आपने पैसे दिए मैडम को? पैसे नहीं दिया, मछुआरों की सभी की गरीबी स्थिति है, इसलिए पैसे नहीं दे पा सकते। हमने सोचा कि हमारा जो नियम है, हमारा अधिकार है, इसलिए हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। उस तारीख से अभी तक कोई उसका ये नहीं हुआ है और इस 30 जून 2021 को भी और बाकी अन्य तालाब जो 4 तालाब जिनकी पट्टा अवधि भी समाप्त हुई है, जिसको ग्राम पंचायत को आवेदन किया गया, लेकिन वहाँ का सचिव मदनलाल वीके एवं सरपंच द्वारा बोला गया कि अगर हमें 50,000 रुपये दोगे तो तुम्हें प्रस्ताव देंगे, अन्यथा यहाँ के मछुआरों को हम कोई भी प्रस्ताव नहीं दे पाएंगे। अभी अभी आप शिकायत लेकर के आए हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ 50 घर के मछुआरे हैं, जो हमें अगर हमारा रोटी रोजी हमारा धंधा मिले तो हम लोग अपनी रोजी रोटी का अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर कायदे के कोई भी हमें तालाब नहीं दिया तो हमारे गांव के जितने भी मछुआरे हैं सब भूखे मरने की स्थिति है। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसीलिए अगर इस तारीख तक अगर हमें अगर तालाब नहीं दिया तो सीधा कलेक्टर कार्यालय में जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अन्य भी जो भी अधिकारी है वहाँ तक जाके हर जगह हम लोग अपना क्या करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जैसे 50,000 तुमने नहीं दिए तो तुमको तालाब नहीं मिल पाए? जी नहीं। तो किसको मिले तालाब? अन्यथा अभी समझ में आ रहा है कि वारा समिति को इन लोग कायदी सरपंच एवं सचिव दोनों ने 50,000 रुपये लेके ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करके वारा समिति को प्रस्ताव दे दिया गया और विभाग में जब मैं पता चला कि मैडम जी हमारे पट्टों की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किया गया, तो उन लोगों ने बताया कि बोले कायदी पंचायत ने वारा समिति को प्रस्ताव दे दिया गया है, इसलिए हम लोग इसके पट्टे की कार्रवाई चालू कर रहे हैं। इसलिए कि जब हमें तुरंत पता चला तो आज कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत बालाघाट, उपायुक्त में जाके हम लोगों ने आवेदन किया अपने सदस्यों के साथ और हम अपनी मांगें पूरी करना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। दिलेंद्र कुमार खोले, मछुआ सहकारी समिति कायदी।